करनाल के रामनगर में आज एंट्रेंस गेट का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसकी नींव करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने रखी और निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया। इस अवसर पर मेयर रेणुबाला गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर शहर को पहचान दिलाने के लिए शहर भर में गेट लगाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में रामनगर एरिया में भी यह एंट्रेंस गेट के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के पार्षद राजेश की काफी समय से मांग चल रही थी कि रामनगर एरिया में एंट्रेंस गेट बनवाया जाए, जिसको पूरा करते हुए आज इसके कार्य का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के सौंदर्यीकरण पर विशेष कृपा बनाए हुए हैं। उन्हीं की दिशा निर्देश पर शहर भर में सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस द्वार पर 9 लाख के करीब का खर्च आएगा, जिसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रतिनिधि संजय बटला, पार्षद राजेश, भाजपा नेता भगवान दास के अलावा बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामनगर में गेट के निर्माण कार्य शुभारंभ किया है। यहाँ रामनगर के शुरुआत में एक गेट का निर्माण कार्य शुरू हुआ। हमारे पार्षद महोदय राजू अग्गे जी ने, हमारे भगवान दास अग्गे जी ने बहुत प्रयास किया और इनकी इच्छा थी कि इनके एरिए में ऐसा गेट होना चाहिए जो कि रामनगर को एक पहचान दे सके। उसके लिए आज का ये कार्य शुभारंभ हुआ। 9.6 लाख का ये काम है और जिसमें कि ये 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समर्पित ये गेट जनता के लिए है, ताकि एक शहर को, एक एरिया को खूबसूरती मिल सके, नाम मिल सके। मुख्यमंत्री जी ने हर तरह की व्यवस्था लोगों के लिए की है, उनमें सहयोग किया है, चाहे गली है, सड़कें हैं, चाहे सौंदर्यीकरण है, चाहे पहचान के तौर पे है। और आज यहाँ इस गेट के शुभारंभ के अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर पे भाई संजय बटला जी, हमारे भाई राजेश अग्गे जी, हमारे भगवान दास अग्गे जी, दर्शन सहगल जी, अमर टक्कर जी, सभी यहाँ के मौजूद लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबको मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज प्रवेश द्वार रामनगर में गेट का निर्माण, पुराने शहर में भी सारी जगह पे गेट का निर्माण हुआ, तो हमने माननीय मेयर मैडम से कहा कि भी रामनगर में भी आपके गेट का निर्माण जरूर कराएं। तो रामनगर में भी 9.5 लाख गेट बनने जा रहा है, तो रामनगर में भी गेट से पहचान होगी भी रामनगर भी एरिया हो, क्योंकि पाकिस्तान से जब से हम लोग सारे, हमारे बुजुर्ग आए थे, तब से ये एरिया बसा हुआ है, बहुत पुराना एरिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैडम रेणुबाला गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि गेट के निर्माण में उन्होंने सहयोग किया। आज रामनगर मंडल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 स्वागत गेटों का जो है जनता ने मांग रखी थी, उनमें 2 जो है मंजूर हो चुके हैं। एक तो यहाँ मोहित आइस फैक्ट्री HDFC बैंक के पास, और दूसरा जो है 2-व्हीलर ओवरब्रिज बन रहा है, जहां वो पूरा होगा उसके आगे जो है फर्स्ट क्लास जो है स्वागत गेट बनेगा। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, निगम आयुक्त श्री नीतीश यादव जी का, और संजय बठला जी जो हमारे मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं, व करनाल शहर की पहली नागरिक एन रेणुबाला गुप्ता जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो है इसमें पूरा सहयोग देकर जनता की पुरजोर मांग पर ध्यान रखते हुए यहां गेटों को मंजूरी दी है, जो 2 महीने में बन के तैयार होंगे, और 2 गेट और जो बनने हैं वो 3-4 महीने बाद उनकी भी कार्रवाई चालू हुई। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.